तो अब हम करेंगे 18th क्वेश्चन, और 18th क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, ठीक है। देखिए, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, और बोला यूजिंग सी एंड डी फाइंड एक्स रेशियो वाई। कितना इजी क्वेश्चन, आ हा हा। देखो करते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस 12x अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू वाई का क्यूब प्लस 27y अपॉन 9y स्क्वायर प्लस 27। ठीक है, दिस इज लेफ्ट हैंड, दिस इज राइट हैंड, ठीक है। एक्स रेशियो वाई निकालना है मुझे, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड तो अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाइंग सी एंड डी, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड मैंने इस पर लगाया तो क्या होगा, चलो करते हैं कुछ ना कुछ। तो देखो एज इट इज़ मैं उसको उतार दूंगा, एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस ये नीचे वाला, जो इसके नीचे वाला है पूरा यहाँ उतरेगा, 6x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन एज इट इज़, ये ऊपर वाला पूरा नीचे उतारूंगा, एक्स क्यूब प्लस 12x माइनस एज इट इज़ से नीचे वाला उतर जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। यहाँ पे लगाते हैं तो ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 27y प्लस ये नीचे वाला पूरा 9y स्क्वायर प्लस 27 अब होल अपॉन वाई क्यूब प्लस 27y माइनस ये नीचे वाला पूरा 9y स्क्वायर प्लस 27। ओके, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8 होल अपॉन ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 12x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8। इसको भी सॉल्व करेंगे, वाई क्यूब प्लस 27y प्लस 9y स्क्वायर प्लस 27 अपॉन वाई क्यूब प्लस 27y माइनस 9y स्क्वायर माइनस 27। ओके, देखिए कुछ ऐसा करके आ चुका है, और मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ सॉल्व, क्या क्या कर सकते हैं इस पर, तब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, ये किसका फार्मूला है, एक फार्मूला है, साफ सीधी बात मैं बताऊँ किसका। देखो ये एक्स क्यूब, और लास्ट पे देखो ये 8, तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस, तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये है एक्स प्लस 2 का अगर मैं होल क्यूब कर दूँ तो देखिए ये क्या होगा, ये हो गया ए प्लस बी का अगर मैं होल क्यूब करूँ तो ये चीज़ हो जाएगी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और अगर इस ये फार्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब का, और अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ देखिए तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 8, 2 का क्यूब होता है 8, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, तो देखो जो मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। तो देखिए ऑब्वियसली बात है, देखिए सीधे सीधे ये ऊपर वाला ही तो है, तो ये किसका फॉर्मूला है, x प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल क्यूब, और नीचे वाला जो है बच्चों ये साफ सीधी बात है, देखिए ये दोनों, तो ये है x माइनस 2 का, तो x माइनस 2 का होल क्यूब है इक्वल्स टू, ऐसे सिमिलरली ये भी किसका है, देखिए ये सारे प्लस है और यहाँ पे 27 है, 27 किसका होता है, 3 का होता है, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल क्यूब अपॉन y माइनस 3 का होल क्यूब, ठीक है। तो देखिए कितना ईजी हो गया ये, और ये अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ। देखिए घबराने की बात नहीं है, अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, घबराना नहीं है बस, है ना। x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन y, ओहो बेचारा ये पेन भी मर गया अब तो, y माइनस 3 का होल क्यूब। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल आउट, और इसको अब नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ मैं, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन y माइनस 3। तो देखिए ये आ चुकी है मेरे पे, इसको भी आगे नेक्स्ट मैं करता हूँ, तो देखें इसको करा जाए, तो इसको करते हैं ना, तो ये हो जाएगा, इसको हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो x प्लस 2 हो जाएगा y माइनस 3
इक्वल्स टू वाई प्लस थ्री एक्स माइनस टू। ठीक है, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या क्या हो रहा है। ये बेसिकली मुझे क्या चाहिए था, मुझे एक्स रेशियो वाई चाहिए। ठीक है, ये याद रखना आप, कहीं असली चीज़ ही भूल गए। चलो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस, मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा प्लस एक्स माइनस थ्री, तो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू, ये लेफ्ट हैंड मैंने सॉल्व कर दिया, ये राइट हैंड करता हूँ। ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस टू वाई प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स। देखिए जो जो कट रहा है, माइनस सिक्स सिमिलर है। ठीक है, इसको काट देता हूँ, एक्स वाई भी काट देता हूँ। ठीक है, बाकी इसको देखो, ये नेगेटिव है, ये मैं इधर लेफ्ट में शिफ्ट करूँगा, ये नेगेटिव है, मैं इसको राइट में शिफ्ट कर दूँगा। तो ये हो जाएगा मेरे पे टू वाई प्लस टू वाई इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा फोर वाई इक्वल्स टू सिक्स एक्स। ठीक है, और एक्स अपॉन वाई का मुझे रेशियो चाहिए था, तो देखिए जो कट रहा है उसको काट दो, टू टू जा टू थ्री जा टू वाई इक्वल्स टू थ्री एक्स। ठीक है, और ये वाई को मैं नीचे फेंक दूंगा तो ये हो जाएगा टू इक्वल्स टू थ्री एक्स अपॉन वाई, और अब इस थ्री को मैं यहाँ नीचे फेंक दूंगा तो ये हो जाएगा टू अपॉन थ्री इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। और अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका आंसर आ चुका है एक्स रेशियो वाई मतलब टू रेशियो थ्री। कितना ईजी है, वाह यार क्या मज़ा आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं।